घर के लोग हैं, क्या मैंने क्या इनकी आवभगत करनी है। हाँ आ जाओ साइका, आओ जरा मेहमानों से तो मिलो। नहीं अब तो भाभी आप अम्मा के कहने पे कह रही हैं ना। सी कोई बात नहीं है, तुम तो फैमिली हो, घर का फर्ज हो। आओ आओ जरा। आइंदा बात मैंने ऐसी कोई बात सुनी ना तो सीधा कर दूंगा तुम्हें मैं। तो खाली मुझे सुनाते रहते, इसको भी कुछ कहा करे बाबा। चुप करो आगे से। मैं कैसे चुप हो जाऊं अम्मा, इसके हिस्से की भी मैं सुनूं, अपने हिस्से की तो मैं सुनता ही रहता हूं। अरे चुप कर जा, कितने हो गया मारे मुझे, जिंदगी तो बर्बाद करी दी है मेरी। बकवास कर रहा है आगे से। घर का क्या सोचा है, कहाँ लेना है? हमने सोचा है कि जब तक कारोबार कोई शुरू नहीं होता हम यहीं रहेंगे, आखिर ये भी तो हमारा अपना घर है। हमें इसमें क्या इतराज हो सकता है, बिल्कुल तुम्हारा अपना घर है, जब तक मन चाहे रुको यहाँ, कोई मसला थोड़ी है। जी भाई, भाई वो थोड़े से पैसे भी चाहिए। हाँ बोलो, कितने बताइए, बताए ना, बताओ बोलो। कोई 30 लाख की जरूरत है फिलहाल। 30 लाख? बेटा ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ तो अम्मा अपना हक मांग रहे हैं। हक? कौन सा हक? इस घर में हमारा भी तो हक है, हमारा हिस्सा है, उसी में कुछ थोड़ा सा मांग रहे हैं, दे दीजिए। अरे हाँ हाँ बस ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं करता हूँ कुछ मेरा बच्चा, परेशान मत हो तुम। जी जी चले। ये क्या नया बखेड़ा शुरू हो गया? कोई नहीं अम्मा, कोई नहीं, करना तो है, करना तो है कुछ ना कुछ। कर रही हो? नई नवेली दुल्हन हो क्या? खाक नई नवेली दुल्हन अम्मा, मैं अपने नए नवेले शोहर को एक आंख भर के नहीं देखती मैं, और ना वो मुझे। इस मजबूरी के रिश्ते में जोड़ दिया आप लोगों ने हम लोगों को। वक्त तो ठीक हो जाएगा सब। कुछ नहीं ठीक होगा अम्मा, क्योंकि ठीक चीजें वहां होती हैं जहाँ ठीक करने की नियत हो, और ना मेरी नियत है ना उसकी। ऐसे क्यों बोल रही हो इन्हें? जोड़े आसमानों में बनते हैं, जब ही तो तुम दोनों का रिश्ता यहां पर जुड़ा है। इसे आप रिश्ता कहती हैं? एनी ये जो मियां बीवी का रिश्ता होता है ना, एक दूसरे के साथ क्या क्या सलूक नहीं कर लेते, एक दूसरे को क्या कुछ नहीं कह देते, लेकिन फिर भी रहते रहते एक दूसरे के साथ। हाँ तो अब तुम्हें निभाना ही रिश्ता। हाँ तो अम्मा बल्कि आप छोड़ें, जाने दें, लेकिन ये बात जरूर कहूंगी कि सिर्फ एक औरत की मजबूरी नहीं होती वो रिश्ता निभाने की, मर्द और औरत का बराबर काम होता है। लेकिन एनी, अम्मा, 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 आपका बड़ी अम्मा बुला रही हैं। अच्छा चलो। बस सही भाई, इस तो हम सबको बड़ी उम्मीदें आपसे। और फिर आप जैसा बाजार आफी इस पूरे इलाके में
आपने बहुत अच्छा किया जो बच्चे की शादी करवा दी, यही सही उम्र है शादी की, इंसान बुराई से भी बचा रहता है। काउंसलर की कोई बातें चल रही थी, क्या थी सुना मैंने अभी? फादर बेटा, हम सब ने तय किया कि इस दफा इलेक्शन भी है, नहीं जाते बड़े। क्या क्यों? अरे आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, कैसे करेंगे सारी चीजें? हाँ तुम अंदर चलो, अभी हम बड़े बैठे बात कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। नहीं अंदर क्यों जाऊं? आखिर आओ, अंदर आओ। अरे एक सेकंड, बड़ा तो मैं भी हूँ ना, शादी तो मेरी भी हो गई है और चंद दिन के मेहमान बोल के आपने मेरे ख्याल से शादी कराई थी मेरी, चंद दिन के बेचारे मेहमान है, इलेक्शन दोबारा आप लोगों को करवाने पड़ जाएंगे, तकलीफ होगी आप लोगों को, क्यों कर रहे हैं सारी चीजें? अच्छा जाओ ना अंदर। अरे क्यों अंदर जाऊं, शादी के बाद आपकी उम्र सही हो गई? हाँ अब नहीं जाना आपने? अरे लेके जाओ ना इसे अंदर। शादी के बाद इनकी उम्र बढ़ गई? हाँ ठीक है अंदर चलो, मैं माजरा चाहता हूँ। पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये सारे लोगों के सामने बाप के साथ बतमीजी कर रहे हो। शादी करिए यार आप लोगों ने मेरे साथ, यही क्या कि उन्होंने मेरी शादी करवाई है ना, कि मरने वाले अब क्या हो गया, इलेक्शन लड़ने जाके यार क्या हो गया, किस बात का शोर है? मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़के के साथ मैं क्या करूं, कि जबान बंद नहीं होती। हाँ लोग आए हुए हैं, अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। हुका किए आप लोगों ने मेरे साथ, जबरदस्ती अनी को मेरे साथ बांधी है। फाखिर तमीज से बात करो, बेटी है वो मेरी, अब तुम्हारी बीवी भी। जबरदस्ती की बीवी है, नहीं चाहिए भाई, रखे अपने पास उसको। तुम तो चुप कर जाओ आयशा, चुप कर। जुबान देखी है तुमने इसकी, ये किस तरह बात करता है मेरे साथ, एनी के साथ? जवान बेटा है, हाथ क्यों उठा रहे हैं आप उस पर? इसी दिन के लिए कहा था किसी शादी मत करे, बच्चा है नहीं उठा सकता है इन रिश्तों का बोझ, लेकिन यहाँ सुनता कौन है? अब जाए मैं इसको समझा लूं। क्या समझाएंगी अम्मा आप मुझे, यही तो जवाब है आप लोग के पास, हाथ उठा दो औलाद पे। इसको कहो कि चुप कर जाए, वरना मैं इसकी जुबान, मेरे पे पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसको कहो तंग मत करे मुझे। मैं समझाती हूँ उसको, अब जाए। आप लोग मेरे कमरे से, बस ठीक है मैं सही हूँ। क्यों अपने बाप जाए, बस ठीक है जाए। यार तुम कुछ करके उनको रिश्ते के लिए मना लो ना, मैं जैसे तैसे करके अम्मा को ले आऊँगा। वो देख भाई, पहले भी तेरी अम्मा ने बहुत काम खराब कर दिया, ये तीन ही कहने पे एक बार फिर ट्राई कर रहा हूँ। तो आप तेरे पिछले हिसाब से क्लियर करेगा? अबे दे दूँगा, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, तू एक काम कर यार, दो बागरखानियाँ लेके आ यार। बागरखानी खाएगा, हालत तो देख बागरखानी जैसा हो गया है। निकल जा यहाँ से, मारूंगा अभी। अभी तेरी शादी नहीं हुई, ठंडा रहा कर तू। यार एक तो शादी नहीं होनी, उसका बड़ी भी है मजाक की। अच्छा सुन, बात बात पे गुस्सा हो जाएगी शादी यार, बस तू मेरा ख्याल कर ले, तेरी शादी हो जाएगी। अच्छा सुन, इस दफा मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर रिश्ता पक्का हो गया तो किराए में से पूरे 500 रुपये कम करवाऊँगा। अरे 500 रुपये क्या बोल रहा है, अम्मा मारेंगी मेरे को यार। तो फिर भाई देख ले अपना, उनको मनाना मुश्किल है। अरे करना यार तू बात कुछ आगे। तू अगर एक काम कर, अपनी अम्मा की बजाय अपनी बड़ी बहन को ले आता है तो रिश्ता पक्का, मैं कहता हूँ तुझे। यार वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस बार ना आयशा आपा को लेके चलता हूँ, तो अम्मा तो मेरी शादी होने ही नहीं देंगी यार। लेकिन मेरा ख्याल पहले, मेरा ख्याल करेगा बेटा, चाहे पाए ले आ यार। ये अपना हबीब कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? शादी हो गई, चले गए।
हेलो जी। हेलो हबीब। अरे कहाँ हो भाई, सुबह से दिखाई नहीं दिए तुम। भाई साहब मैं घर पे हूँ। अरे किसके घर पे हो? अपने घर पे होते तो नजर आते ना मुझे। जी। और ये दुकान पे गए थे तुम? नहीं नहीं भाई साहब। चलो घर आओ फौरन। जी जी मैं आ रहा हूँ भाई साहब। क्या है आप? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहोगे मैं चुप करके सुनती रहूंगी। जब सुबह में तुम्हें मेरी वजह से डांट पिटी थी, मैंने तुम्हें सॉरी बोला था कि नहीं? बोला था ना। और हम दोनों के बीच सब कुछ तय भी हो गया था, लेकिन फिर भी फाकर तुमने मेरे बारे में बकवास की। मैं ना एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं कि मैं अम्मा या बड़ी अम्मा नहीं हूँ। तुम मुझे कुछ भी बोलते रहोगे मैं चुप करके सहती रहूंगी। अगर तुम बदतमीज हो ना तो मैं तुमसे बड़ी बदतमीज़। और मेरी एक बात सुन लो, अगर अब तुमने मेरे बारे में बकवास की ना तो मेरा मुंह तोड़ के मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। भाभी फाखिर को समझाएं, शादी हो गई है उसकी, जिम्मेदार बने कुछ। मैं नहीं चाहती कि आईनी का भी वही हशर हो जो आपको और मेरा है। मुझे डर लग गया है, अब समझाऊंगी मैं उनसे। मेरे लिए आईनी और फाखिर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही। इसीलिए मैं छोटी उम्र की शादी के इतने खिलाफ, बहुत ज्यादती हुई है इन दोनों के साथ, बहुत ज्यादा। समझाऊंगी मैं उन्हें। तुम परेशान ना हो, वक्त के साथ सब ठीक हो ही जाता है। या पता नहीं, तुम सुबह से इतनी परेशान फील लग रही हो मुझे। सुबह से हबीब चले गए घर से। कहाँ चला गया? कहाँ जाएंगे? ना मतलब निकल गया, क्या हो जाता है? अभी कुछ दिमाग खराब हो जाता है उसका। बस दुआ की जा सकती है, आहत आहत थे। जो बात बताने आई थी वो तो भूल ही गई मैं। क्या हुआ? खैरियत? खैरियत नहीं, फराज साहब अपनी नौकरी छोड़कर सारी फैमिली के साथ यहाँ हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। या अल्लाह, पाकिस्तान तो रहेंगे कहाँ? अरे यहाँ और कहाँ, अभी यहाँ रहेंगे और यहाँ कब तक रहेंगे? जाने का उनका कोई इरादा नहीं लगता, दूर दूर से कोई उम्मीद नहीं है। ऊपर से सायका बीबी ने जहीर से पैसे भी मांगे। से किस बात के पैसे? फराज साहब का कारोबार जो सेट करना है। कारोबार? उनके पास तो बहुत दौलत है, बहुत अरसे से बाहर रह रहे। 30 लाख होंगे भाभी। 30 लाख? 30 लाख कहाँ से लाएंगे भाई साहब? सायका कहती है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं हिस्सा मांग रही हूँ। ढेर मुसीबत है। और क्या कहा भाई साहब ने? तुम्हें क्या लगता है क्या कहा होगा? कभी इनकार किया है उन्होंने अपने किसी भी बहन भाई को, किसी भी घर वाले? बस कहा थोड़ा वक्त दे दो, इंतजाम करता हूँ। क्या नया बखेड़ा शुरू हो गया है भाभी? बस क्या बताएं हम आपको,
एक आप ही तो हैं जिनसे हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। अच्छा, हम फिर आपसे बात करेंगे, बस आप इस मसले का कोई हल निकालिए। खुदा हाफिज़। किस मसले का हल ढूंढ रही हैं आप? तुम्हारे और फराज के मसले का हल, और किसका? हमारे मसले का, लेकिन ज़हीर भाई दे तो रहे हैं पैसे, फिर कैसा मसले का हल? 30 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती सायका। पता है अम्मा, पर हमें ज़रूरत है पैसों की, और हक भी है हमारा ये। क्या मैं नहीं जानती कि कैसे हबीब और फहमी भाई साहब को लूट रहे हैं? आप उन्हें तो कुछ नहीं कहती। तुम्हारी गलतफहमी है ये। रहने दें बस। अच्छा, तो तुम फराज से ये क्यों नहीं कहती कि कोई नौकरी तलाश करे? अम्मा, नौकरी मिलना इतना आसान थोड़ी है। और आपको क्या लगता है कि फराज साहब नौकरी नहीं ढूंढ रहे, कोशिश नहीं कर रहे? अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ आ गए, बस आप भाई साहब से बात करें और हमें पैसे दिलवाएं। अरे, कहाँ से लाएगा वो इतनी बड़ी रकम बेचारा? वैसे अम्मा एक बात कहें, आपको हमारे अलावा ना अपनी सारी औलाद बेचारी लगती है। बहुत पैसे हैं ज़हीर भाई के पास, वो मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। और क्या ज़रूरत है ये इतना पैसा बहाने की शादी पर? अरे वाह, ये अच्छी कही तुमने। वाह, उसका इकलौता बेटा है, जो कुछ उसके पास है वो फाखिर का ही तो है। कभी आपको हमारा साथ नहीं देना होता, सबकी परवाह है हमारे सिवा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है अम्मा, बस ऐसी ही बात है, रहने दे आप। बुलाया था आपने? बैठो। बात बताओ, क्या तुम वाकई मेरे ही बेटे हो? क्या बात है गिरी, जाहिर सी बात है आप ही का ही बेटा हूँ। फिर ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या कर दिया मैंने? मैं बाप से बदतमीजी की है, उसे लोगों के सामने बेइज्जत किया है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से मैं ना सिर्फ तुम्हारे बाप की नजरों में बल्कि अपनी नजरों में गिर गई हूँ। बड़ा मान था मुझे कि बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी, मेरी तरबियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कि मेरा ये मान पाश पाश हो गया, टूट गया। बताओ, ये सिखाया था मैं तुम्हें, ये तरबियत की थी मैंने? तुम्हें इख्तलाफ का हक है, हमेशा दिया है। तुम अपने बाप से इख्तलाफ कर सकते हो, उसके रवैये से इख्तलाफ कर सकते हो, उसके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन अपने बाप से बदतमीजी नहीं कर सकते, ना उसकी बेइज्जती कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं किया था अम्मा मैंने। और ऐनी का क्या कसूर है? उसे किस बात का बदला ले रहे हो? अम्मा, मैं नहीं करता उसको पसंद। तो जिसे पसंद करते थे वो कहाँ? वो छोड़कर चली गई। जो ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है वो ही ज्यादती, बराबर की ज्यादती उस बच्ची के साथ हुई। क्या कसूर है उसका? क्यों बदला ले रहे हो उससे? अपना गुस्सा उस पर क्यों उतार रहे? फाखिर, अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो गम और दुख दे। नमाज पढ़ ली, चाय बना दो जरा मेरे लिए। मुझे बात करनी है तुमसे, 2 मिनट। जी जी। हाँ, कौन? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब आपको बड़े पापा बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? जी। अच्छा फज, आप जाइए बेटे, आ रहे हैं। जी, आपने क्या बात करनी थी? मैं बड़े भाई साहब से मिल रहा हूँ। अच्छा रुकिए, एक चप्पल तो पहन जाए। ना।
समझते हैं, लेकिन हम बस थोड़ी सी रकम मांग रहे हैं अपने हिस्से में से। कौन सा हिस्सा? क्या मतलब कौन सा हिस्सा? इस घर में कारोबार में हमारा भी हिस्सा बनता है। अरे बेटा, घर बिकेगा तो तब हिस्सा होगा ना। कारोबार भाई साहब का है, अब्बा का नहीं है। तो फाखर का और भाई साहब का हक है। भूख नहीं है मुझे, खा लो। I'm sorry. हम दोनों फंस गए हैं आप, और मैं जानता हूँ तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन अब शादी हो गई है हमारी। बचपन में भी हम हमेशा एक दूसरे के राइवल रहे हैं, और पार्टनर तो खैर कभी बने नहीं, लेकिन यहाँ पे अब लाइफ पार्टनर। कब तक हकीकत से भागेंगे हम? कभी ना कभी तो कबूल करना ही पड़ेगा ना। हमारी कभी नहीं बन सकती यार। बनती भी कैसे, इतने अजीब से होता हूँ और पहले भी थे। खुद को देखा तुमने, कितनी दफा तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी है। तो क्या तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी से डांटे नहीं पड़ी? तो उसकी इतनी बड़ी सजा कि मेरे सर पे आके बैठ जाओ, और वो भी हमेशा के लिए। मैं सजा दे रही हूँ या मुझे सजा मिल रही है? तुम जैसे डफर को मैं 2 मिनट ना बर्दाश्त करूँ, अब उसको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा बर्दाश्त। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अब्बा की वजह से। तो तुम्हारे अब्बा भी इनकार कर सकते थे ना, उनको हक नहीं है? उनको तो मुझसे जान छुड़ानी थी, तो करी कहाँ है उनको मेरी। हाँ तो ऐसे अब्बा की बेटी होने की सजा भुगतो आप खुद, मैं क्या करूँ? उसे तुम तो सारे मजे कर लेते हो ना, दोस्तों के साथ भी बाहर चले जाते हो, वैसे भी बाहर चले जाते हो। जिंदगी तो मेरी पत्नी है ना, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। रो क्यों रही हो? अब ये कोई बात होने वाली, क्या हो गया? अच्छा सोचो, अब कल को तुम्हें कोई अजीब सा शकी खूंखार किस्म का शौहर लंबी लंबी मूछों वाला मिल जाता, फिर क्या करती? मैं मिलूं यार, मैं को अच्छा हो चुकी तुम खुद। मैं स्मार्ट हूँ। क्या है साहब बना? अभी बताता हूँ अम्मा। सुबह से कहाँ हो तुम? वो मैं जरा, देखो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपने मामलात को सीधा कर लो, सुधर जाओ, खुदा का वास्ता है जी। अरे तुम क्यों उसके ऊपर अपना वक्त जाया कर रहे हो बेटा? ये नहीं सुधरेगा, कभी बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। नहीं, वो औरत कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गई है? अच्छा असल मामले की तरफ तो आओ ना, वो साहिबा फराज का मामला। क्या क्या हुआ है? वो अपना हिस्सा मांग रही है। का हिस्सा? कौन सा हिस्सा? अरे तुम घर में टिको तो तुम्हें पता चले ना। मतलब बताइए हुआ क्या है मैम? अरे भाई, फराज की नौकरी छूट गई है, अब वो वहाँ से यहाँ आ गया मुस्तकिल पाकिस्तान में, और जब तक वो यहीं रहेंगे इस घर में हमारे साथ, जब तक उनका कारोबार सेट नहीं हो जाता। अरे ये बात तो है, लेकिन असल मामला ये है कि साइका फराज के कारोबार के लिए कुछ रकम मांग रही है। कितने? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? भाई साहब हम आ जाएं? अरे आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। हाँ वो उसे पकना। बस कैसे हैं आप बताए? इधर आ जाए। अरे बैठ जाएगा, ये बड़ी माशाल्लाह कचहरियाँ चल रही हैं। अरे नहीं, बस वो वलीमे की तैयारियों के हवाले से। हाँ बिल्कुल, वलीमे की तैयारियाँ तो चल रही हैं, अब शादी के मामलात से फरागत हो तो हमारे मसले पे भी गौर हो ज़रा। हाँ बल्कि उस हवाले से भी बात हो रही थी। अरे वाह। तो भाई फिर
कब तक इरादा है हमारी रकम देने का? अरे बेटा, रकम थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। कितना वक्त? सायका, रकम बड़ी है, सुना खर्चा बहुत हो गया भाई साहब का शादी के सिलसिले में, वक्त लगेगा। हम समझते हैं, लेकिन हम बस थोड़ी सी रकम मांग रहे हैं अपने हिस्से में से। कौन सा हिस्सा? क्या मतलब कौन सा हिस्सा? इस घर में, कारोबार में हमारा भी हिस्सा बनता है। अरे बेटा, घर बिकेगा तो तब हिस्सा होगा ना। कारोबार भाई साहब का है, अब्बा का नहीं है। तो फाखर का और भाई साहब का हक है। हबीब, तुम मत बोलो, हमें नहीं पता भाई, बस हम थोड़ी सी तो रकम मांग रहे हैं अपने हिस्से में से, और जब घर बिकेगा तब देख लेंगे। फराज साहब, आप भी तो कुछ बोले। अरे नहीं, मुझे भाई बहनों के मामलों से दूर रखो, मैं क्या कहूँ। बेटा, शादी पे थोड़ा सा खर्चा हो गया है, इसलिए बस थोड़ा सा वक्त दे दो, हम कर लेंगे बंदोबस्त। तो यही तो पूछ रहे हैं भाई कि कितना वक्त लगेगा। कम से कम एक महीना तो। एक महीना? मतलब शादी पे खर्चा करने के लिए आपके पास पैसे हैं, हबीब को देने के लिए, उसकी जरूरियात पूरी करने के लिए आपके पास पैसे हैं, और हम मांगे तो एक महीना। अगर पहले पता होता तो हम हाथ रोक लेते बेटा। हम क्या कह सकते हैं अब? चलें ठीक है, आप ले लें एक महीना। चलें फराज साहब। हाँ हाँ, इजाजत है भाई, बस जरा मार्केट से वहाँ। हाँ जरूर जरूर, ठीक है। हाँ माँ, आते हैं। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी तेरा। किस कदर महंगी कर दी सारी सब्जी तुमने, शिमला मिर्च कैसे दे रहे? शिमला मिर्च 30 रुपए पाव भाजी। पाव 30 रुपए? आपको पता नहीं है ये इतनी है तो हर बंदा इस महंगाई से तंग है, हम खुद इस महंगाई से तंग है। फली कैसे दोगे? फली अब आपको लगा देंगे 120 रुपए किलो। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, बहुत महंगा है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा सर। मोहतरमा जो सब्जी मांग रही है ना, बिल्कुल ठीक ठाक देनी है, मुनासिब रेट के ऊपर एकदम। ठीक हो गया, मुनासिब, बिल्कुल मुनासिब देंगे, शिकायत नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह नहीं आएगी। अरे एनी, चाय क्यों बना रही हूँ? मैं बना देती ना। क्या हो गया? मैं बना लेती हूँ मैं चाय। क्या हुलिया बना रखा है, बिखरे बाल, हालत अपनी क्या बना रखी है? तबीयत ठीक है अम्मा आपकी? एनी, ये क्या कर रही है सुबह सुबह किचन में? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या हो गया आप लोगों को? यही कह रही थी भाभी, मैं भी यही कह रही थी इससे। अरे नई नवेली दुल्हन हो, अभी मेहंदी भी नहीं इसकी हल्की हुई, और ये क्या, सोने की चूड़ियां कहाँ हैं? इतनी खूबसूरत बनवा के तुम्हें कड़े भी दिए हैं, वो पहनो ना। वो बड़े अम्मी अम्मा मना करती है ना सिफरात पहनने से। शादी से पहले मना करती थी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो तैयार हो, बनो, संवरो, अच्छे कपड़े पहनो, चमकदार, और क्या। अम्मा अम्मा क्या, सही कह रही है वो, जाओ अच्छे से तैयार होके आओ। चलो, ये बात मुझे आप लोगों की समझ में नहीं आती। जब शादी से पहले तैयार होती थी तो आप लोग दोनों मुझे बातें सुनाते थे, और अब शादी के बाद आप लोग मुझे कह रहे हैं कि जाओ तैयार हो। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है यानी? कि अम्मा अगर अपने लिए तैयार हो तो गलत बात है, और अगर दूसरों के लिए तैयार हो तो बिल्कुल ठीक। किसी और के लिए नहीं, तुम ये अपने शौहर के लिए तैयार होने को बोल। यही तो बात है अम्मा, ये सारी चीजें ना कर करके आप लोगों ने इन मर्दों का दिमाग खराब कर दिया। अगर हमें उनकी जरूरत है ना, तो उनको भी हमारी उतनी ही जरूरत है, और अगर वो जरूरी है तो हम भी उतने ही जरूरी हैं। अम्मा बात तो ठीक कह रही,
पाफर को भी कहती हूँ कि वो तैयार हो। अच्छा सा जाओ। अच्छा तैयार जाओ, सोने की चूड़ियाँ जरूर पहन लेना। कोई पागल है भाभी, चाय पियेंगी? हाँ कम है, मैं और बनाती हूँ, रुके। एनी जी पापा, ये क्या हालत बनाई हुई है? नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ा सजो बनो। पापा अब ना मुझे, अब मुझे कोई भी नई नवेली दुल्हन नहीं खाएगा, और आप भी नहीं। हाँ इससे क्या हो गया भाई? पता नहीं। और कैसे गुजर रही है जिंदगी शादी के बाद? बकवास करने की जरूरत नहीं। नहीं यार, इसमें बकवास करने वाली कौन सी बात है? तुझे शादीशुदा देखकर मेरा भी दिन चाह रहा है शादी करने। कुछ भी मतलब? मैंने तो मम्मा को भी बता दी कि फाखिर की तरह मेरी भी शादी करा दे। फिर क्या बोली? बोलना क्या था, उड़ती हुई चप्पल आई बस। सही बोल बेटा तेरे साथ। और बाबा बोले, बेटा वो जो तुम्हारे दूध के दांत है ना, उसको तो टूट जाने दो पहले। वाकई कह रहे थे, खुशकिस्मत है भाई तुम। कहाँ मिलते हैं ऐसे माँ बाप? मेरे घर पे। मुझे तो तू खुशकिस्मत लगता है, लेकिन अब वो अलग बात है कि इंसान हर हाल में खुश नहीं रहता। अच्छा एक बात बताऊँ, कल रात तुम दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल की लग रही थी। मतलब एनी तो है ही खूबसूरत, साथ में तू भी इंसान का बच्चा लग रहा था। एनी कौन से एंगल से खूबसूरत लग रही थी? हर एंगल से। अरे भाई देखो, दिखने में तो वो खूबसूरत है, अब तुझे ये बात दिखाई क्यों नहीं देती, ये मेरे समझ से बाहर है। या तो फिर तू देखना नहीं चाहता, और कम से कम तुम्हारे उस आमने से तो हजार दर्जा बेहतर है। चुप हो जा, बस कुछ भी बोले जा रहे हैं जी। देखो खूबसूरती जो है ना, वो सिर्फ बाहरी नहीं होती, वो अंदरूनी भी होती है। गालिब। खैर छोड़ो, ये बताओ वलीमे पे क्या पहन रहा है, और स्कूल तो आएगा ना उसके बाद? जाहिर आऊँगा, रिकॉर्ड लगवाने। वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि अगर वलीमे में हमारे ग्रुप के लोग आएंगे तो फिर हम स्कूल में बता लेंगे तुझे। कोई बात क्या कर यार, पैसे कितने मिले? कौन से पैसे? अरे भाई वो लिफाफे वाले। वे तू देखने ही भूल गया। चेक करो ना, फिर पार्टी करते हैं यार, कुछ तो फायदा हो शादी से। क्या हुआ? साका पापा की बातों से परेशान है? हाँ वो भी है। वो भी है मतलब? और भी कोई बात है क्या? दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गया हूँ मैं। मतलब? मतलब मैं एक तरफ हो जाना चाहता हूँ। तो हो जाए, किसने रोका है आपको? मैं फंस गया हूँ। मैं खुद फंसे हैं, किसी ने नहीं फंसाया आपको। कल बच्ची की शादी हुई है, खुद की थी ना आपने, फिक्र है उसकी आपको? कुछ याद भी है कि घर में क्या चल रहा है? साका पापा ने भाई साहब से पैसे मांग लिए, फराज भाई की नौकरी चली गई है, घर में किस तरह का माहौल चल रहा है, और आपको अभी भी सिर्फ अपनी पड़ी है। हद है हबीब, कितने खुद गर्ज हो गए, हद है। तो क्या करूं मैं? छोड़ दे हमें, हो जाए एक तरफ। इतना तैयार क्यों की बैठी हुई हो? तुम्हारी नई नवेली दुल्हन जो हूँ, तुम्हारे लिए इतना सज धज के बैठी हूँ ताकि तुम्हें अच्छी लगूँ। बताओ लग रही हो अच्छी? क्या पक्का रही हो? अच्छा वो लिफाफे कहाँ पे हैं? ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में। अच्छा वाकई मेरे लिए तैयार हुई हूँ?
ठीक ही लग रही हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ मैं। इधर लेकर आओ लिफाफे। और पैसे कितने? गिफ्ट ने कितने पैसे दिए? वैसे शादी का कोई तो फायदा हो, बता रही हूँ 50-50 करेंगे पैसे। अच्छा ठीक है, वो करोगी क्या इतने पैसों का? वैसे मैं तो अम्मी को दूंगी। और तुम? शॉपिंग करूँगा, पार्टी करूँगा, और क्या। किताबें ले लो, डफर। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ सही तरीके और खैरियत से निबड़ गया। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। हाँ, सब तो यही दुआ है कि दोनों खुश रहें। हाँ, सायका का क्या सोचा है आपने? क्या जही, क्या हुआ है? हाँ बता रही है, अजीब सब बोल सा। मैं हबीब को बुलाती हूँ। हबीब, आयशा हबीब से बात? नहीं भाभी, वो फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह बस भाई साहब को जल्द ठीक कर दे, और अल्लाह उनका साया हम पर सलामत रखे, और बस पानी पिला पा कर मुझे। राहिला, फोन तुमने बंद किया था क्या? हाँ बचा था तो कर दिया। पागल हो गई हो क्या? अच्छा क्या हुआ है? आजा। हबीब, हबीब क्या हुआ है बताओ भी, क्या हुआ है हबीब? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? वो मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे कश्तियों को बेसहारा छोड़।